अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है 30,000 के रेंज में सबसे पॉपुलर और वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है IQ7, फिर है Mi 11X, पर दोस्तों कल रियलमी लेके आया अपना नया पावरफुल स्मार्टफोन Realme X7 Max। अब दोस्तों बहुत लोग कन्फ्यूजन हो रहा है, हमको Realme X7 Max पे जाना चाहिए या हमको Mi 11X पे जाना चाहिए, जाएं तो जाएं कहां, बहुत सारा कन्फ्यूजन है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपका टोटल तरीके से आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, हमको Realme X7 Max में जाना चाहिए या Mi 11X पे जाना चाहिए। सब कुछ बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को दबाइए, ऑल कीजिए हमारी वीडियो का सब नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए जैसे कि हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोहल परिहार, आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल सोहल परिहार MGT में, लेके आया हूं बहुत ही कमाल की वीडियो। चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक साइड है Realme X7 Max और दूसरी साइड है Mi 11X। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों की स्पेसिफिकेशन के बारे में, कंपैरिजन के बारे में, क्या चीज़ आपको Mi 11X में आपको देखने को मिलती है, जो चीज़ आपको Realme X7 Max में आपको देखने को नहीं मिलती, क्या चीज़ आपको Realme X7 Max में आपको देखने को मिलती है, जो चीज़ आपको Mi 11X में आपको देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों की परफॉर्मेंस में, और परफॉर्मेंस में सबसे पहले बात करते हैं दोनों के प्रोसेसर के बारे में। तो Realme X7 Max में आपको MediaTek Dimensity 1200 का इसमें आपको प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, और Mi 11X में आपको Qualcomm Snapdragon 870 का आपको प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आप दोनों प्रोसेसर की यहाँ CPU परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ Qualcomm Snapdragon 870 काफ़ी बेटर है। अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पे भी Qualcomm Snapdragon 870 काफ़ी बेटर है। अगर आप बैटरी लाइफ देखोगे तो यहाँ पे भी Qualcomm Snapdragon 870 काफ़ी बेटर है। अगर दोस्तों मैं दोनों प्रोसेसर के अंतु बेंचमार्क्स के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग दोस्तों दोनों प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा सेम है, बट यहाँ Qualcomm Snapdragon 870 काफ़ी ज़्यादा बेटर भी है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों तब परफॉर्मेंस के मामले में दोनों स्मार्टफोन काफ़ी बेटर है, बट यहाँ दोस्तों Qualcomm Snapdragon 870 काफ़ी ज़्यादा पावर भी है अगर आप दोस्तों MediaTek Dimensity 1200 से आप कंपेयर करते हो। रैम रोम के बारे में बात करूं तो Realme X7 Max में आपको 8GB के साथ आपको 128GB की आपको इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलती है, LPDDR4X की आपको रैम टाइप आपको देखने को मिलती है, UFS 3.1 की आपको स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिलती है, और Mi 11X में आपको 6GB के साथ आपको 128GB की आपको इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलती है, LPDDR5 की आपको लेटेस्ट आपको रैम टाइप आपको देखने को मिलती है, साथ में आपको UFS 3.1 की आपको स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ रैम एंड रोम के मामले में Mi 11X काफ़ी बेटर है। अगर दोस्तों मैं दोनों स्मार्टफोन्स की UI के बारे में बात करूँ तो Realme X7 Max में आपको Realme का आपको UI आपको देखने को मिलता है जो कि बेस्ड है Android 11 पे, और Mi 11S में आपको MIUI आपको देखने को मिल जाता है जो कि बेस्ड है Android 11 पे। तो यहाँ UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन काफ़ी बेटर है। अगर आप मेरे से कहोगे तो मैं यहाँ Realme X7 Max में जाऊँगा, क्योंकि Realme का जो UI काफ़ी बेटर होता है अगर आप दोस्तों Mi 11X से या Mi 11 Xiaomi के किसी भी स्मार्टफोन से आप कंपेयर करते हो। तो डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो Realme X7 Max में आपको 6.43 इंच का आपको फुल HD प्लस आपको सुपर एमोलेड की आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ में आपको 120 हर्ट्ज की आपको रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है, 360 हर्ट्ज की आपको टच सैम्पलिंग रेट आपको देखने को मिलती है, और 1000 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। Mi 11X में आपको 6.67 इंच का आपको फुल HD प्लस आपको E4 की आपको एमोलेड की आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ में आपको 120 हर्ट्ज की आपको रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है, साथ में आपको 360 हर्ट्ज की आपको टच सैम्पलिंग रेट आपको देखने को मिलती है, साथ में आपको 1300 निट्स की आपको ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन काफ़ी बेटर हैं, बट Mi 11S में आपको 1300 निट्स की आपको ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है, जिससे आपको थोड़ा ब्राइट आपको ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा अगर आप Realme X7 Max से कंपेयर करते हो। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में यहाँ Realme X7 आप कह सकते हो बेटर है, क्योंकि Realme X7 Max में आपको सुपर एमोलेड का आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है, Mi 11S में आपको E4 एमोलेड की आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ डिस्प्ले के मामले में मैं थोड़ा सा दोस्तों यहाँ Realme X7 Max में जाऊँगा। कैमरे के बारे में बात करूँ तो Realme X7 Max में आपको 64 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल कैमरे का आपको सेटअप देखने को मिलता है, 64+8+2, और Mi 11X में आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का आपको सेटअप देखने को मिलता है, 48+8+5
अगर दोस्तों आप दोनों स्मार्टफोन को मेगापिक्सल से आप कंपेयर करोगे तो रियलमी X7 Max काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का थोड़ा बड़ा सेंसर होता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा आपको लाइट भी आपको कैप्चर आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों मेन बात रियलमी की जो इमेज प्रोसेसिंग काफ़ी बेटर, काफ़ी कह सकते हो अब अच्छी होती है, जिसको आप शाओमी के फ़ोन से आप कंपेयर करते हो। और सेल्फीज़ के बारे में बात करूँ तो रियलमी X7 Max में आपको 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी आपको देखने को मिलती है, और मी 11 X में आपको 20 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी आपको देखने को मिलती है। तो कैमरे के मामले में दोनों स्मार्टफोन काफ़ी बेटर हैं, बट दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मैं रियलमी X7 Max में जाऊँगा। बैटरी के बारे में बात करूँ तो रियलमी X7 Max में आपको 4500 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, साथ में आपको 50 वॉट्स की आपको फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती है, और मी 11 X में आपको 4500 20 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, साथ में आपको 33 वॉट्स की आपको फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ बैटरी के मामले में क्लियर बना रहा है रियलमी X7 Max, क्योंकि यहाँ आपको 50 वॉट्स की आपको फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों मेन बात दोनों स्मार्टफोन में आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है, बट दोस्तों रियलमी X7 Max में आपको 7 बैंड्स के साथ आता है, और मी 11 X में आपको सिर्फ 2 बैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखना। बायोमेट्रिक्स के बारे में बात करूँ तो रियलमी X7 Max में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको ऑन स्क्रीन पे आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको फेस आईडी भी आपको देखने को मिलता है। मी 11 X में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको पावर बटन में आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको फेस आईडी भी आपको देखने को मिलता है। तो इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखना। डिज़ाइन को लेकर बात करूँ तो दोनों स्मार्टफोन का काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है, किसी को रियलमी X7 Max का डिज़ाइन पसंद आएगा और किसी का मी 11 X का डिज़ाइन पसंद आएगा। अगर आपका कोई सा भी फेवरेट डिज़ाइन है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अगर दोस्तों मेरे से पूछोगे तो मैं रियलमी X7 Max में जाऊंगा, क्योंकि इसका डिज़ाइन मेरे को काफ़ी ज़्यादा न्यू भी लग रहा है और मेरे को दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। और दोस्तों मेन बात रियलमी X7 Max में आपको ऑडियो जैक आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आप ईयरफोन को आप यूज़ कर सकते हो, बट दोस्तों मी 11 X में आपको कोई भी आपको ऑडियो जैक आपको देखने को नहीं मिलता, जिससे आप ईयरफोन्स को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इस बात का आप ध्यान रखना। प्राइस को लेकर बात करूँ तो रियलमी X7 Max की स्टार्टिंग प्राइस आपको 26,999 स्मार्टफोन की प्राइस है, मी 11 X की स्टार्टिंग प्राइस आपको 29,999 स्मार्टफोन की प्राइस है। तो दोनों स्मार्टफोन में आपको सिर्फ आपको 3,000 का आपको अंतर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यही थे दोनों स्मार्टफोन के कंपेरिजन। आपने देखे होंगे कई मामलों में रियलमी X7 Max काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और कई मामले में मी 11 X काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अब आता है मेन सवाल जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन पिक करें। अब दोस्तों एक स्मार्टफोन को पावरफुल बनने के लिए उसमें 5 चीज़ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी और डिज़ाइन। तो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो एक क्लियर विनर है मी 11 X, क्योंकि यहाँ आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का आपको पावरफुल प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, साथ में आपको लेटेस्ट आपको रैम टाइप आपको देखने को मिलती है। तो डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो दोनों की डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है, जो को दोस्तों थोड़ा बहुत अंतर था वो मैंने आपको बता दिया। तो कैमरे के मामले में यहाँ मैं रियलमी X7 Max में जाऊँगा, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का कैमरा काफ़ी ज़्यादा बेटर भी होता है अगर आप 48 मेगापिक्सल से कंपेयर करते हो, और रियलमी की इमेज प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा बेटर भी है। और बैटरी के बारे में बात करूँ तो यहाँ मैं रियलमी X7 Max में जाऊँगा, क्योंकि यहाँ आपको 50 वॉट्स की आपको फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। तो डिज़ाइन का तो ऐसा है, किसी को दोनों स्मार्टफोन का डिज़ाइन पसंद आएगा, किसी को रियलमी का डिज़ाइन पसंद आएगा, किसी का MI 11 X का डिज़ाइन पसंद आएगा। अब आता है दोस्तों मेन सवाल, हम दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन पिक करें। अब दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा आप रियलमी X7 Max में जाओ, क्योंकि सबसे पहले स्मार्टफोन में आपको 3,000 रुपये आपको कम देने पड़ रहे हैं, साथ में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको ऑन स्क्रीन पे आपको देखने को मिलता है, जो आपको दोस्तों मी 11 X में आपको देखने को नहीं मिलता, साथ में आपको ऑडियो जैक भी आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आप ईयरफोन्स को भी आप इंसर्ट कर सकते हो, और साथ में आपको 7 बैंड्स के साथ आता है। अगर दोस्तों आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए है, डेफिनेटली आप दोस्तों मी 11 X में जा सकते हो, जिसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का आपको पावरफुल प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। तो मेरे मानने में दोस्तों दोनों स्मार्टफोन काफ़ी बेटर हैं, बट आपको 3,000 का आपको अंतर आपको देखने को मिलेगा, और जो को दोस्तों थोड़ा बहुत अंतर था परफॉर्मेंस में, डिस्प्ले में, बैटरी में, तो वो मैंने दोस्तों आपको बता दिया। अगर दोस्तों आप दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हो, या दोनों स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते हो, तो दोनों स्मार्टफोन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप परचेस कर लेना। अगर आपको परचेस नहीं करना है
तो सब्सक्राइब तो कर लो, कुछ तो कर लो दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना डेली ऐसी यूनिक्स वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद एंड वंदे मातरम।